प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस सबक में हाकिम जिला, तहसीलदार, जिले का आला पुलिस अफसर और जिलाई अदालत, इन नुकात के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम आफात का इंतजाम, इस टॉपिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमें मुख्तलिफ किस्म की आफात का मुकाबला करना पड़ता है। ये आफतें कुदरती होती हैं, जैसे सैलाब का आना, जंगलात में आग लग जाना, गर्दबादी तूफानों का आना, जलजलों का आना और जमीन का धंसना, जैसी कुदरती आफात का हमें मुकाबला करना पड़ता है। इसी के साथ साथ फसादात, वबाई अमराज, बम धमाका और बंद टूटना जैसी आफतों से हमें जूझना पड़ता है। इस किस्म की आफतों की वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर नकल मकानी करना पड़ती है और लोग एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ हिजरत करते हैं, जिसकी वजह से नौ आबादकारी यानी नए आए हुए लोगों को आबाद करने का मसला भी पैदा हो जाता है। नज़्म व ज़ब्त और साइंसी तरीके से आफतों का मुकाबला करने को आफात का इंतज़ाम कहते हैं। आफात के इंतज़ाम में ज़िले का पूरा अमला, मतलब मशीनरी, मसरूफ हो जाता है। ज़िले का इंतज़ामी अमला में हाकिम ज़िला, महकमे पुलिस, तिब्बी इमदाद पहुंचाने वाले अदारे और मुकामी इंतज़ामी अदारों का शुमार होता है। तकनीकी तरक्की की वजह से कुदरती आफात की इत्तला हमें पहले ही मिल सकती है और जब ये इत्तला हमें मिलती है तो ज़िले का इंतज़ामी अमला इन आफात के मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है।